सो हेलो गाइज, दिस इज मिश्रा सर गुड़गांव वाला वंस अगेन। आई एम देयर फॉर यू व्हाट्सएप। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। सो आज हम लोग कंटिन्यूएशन में थर्ड वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको अल्फा बीटा जीरोज दिए होते हैं किसी पॉलिनोमियल का, और आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होते हैं समथिंग एंड समथिंग। देख रहे हो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आप एक अलग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोज हैं दिस एंड दिस। ऐसे क्वेश्चंस बड़े मुश्किल होते हैं अगर वो स्प्लिट नहीं हो रहे तो, और डिफ़िकल्ट होते हैं, खास करके वो वहाँ स्प्लिट नहीं होगा वो डिफ़िकल्ट होगा, ये फिर भी आसान हो जाएगा। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत तोड़ क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में, ठीक है। तो आज सारे टफ क्वेश्चन आज भी कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पी एक्स। इस पी एक्स का, इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज अल्फा एंड बीटा गिवन है, ठीक है भाई। अब बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। अब वो जीरोज आर दिस एंड दिस, बढ़िया है भाई, बारात में आया क्या? ये एक नया जीरोज बोला है कि आप नया जीरोज है ये, वो अल्फा बीटा भूल जाओ, उस अल्फा बीटा का वैल्यू इसमें डालना पड़ेगा। ये एक नया जीरोज है, इसके बेस पे अब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के मेथड क्या होते थे भाई, फॉर्मूला क्या होता था ये बताओ। मैं यहीं लिख देता हूँ, पी एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आप लिख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी को हम बोलते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों एक ही बात है। इसको वर्ड में लिखा, उसको सिंबल्स में लिखा। अल्फा बीटा से यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए सम ऑफ जीरोज वाला ही वर्डिंग्स ही यूज़ करना, करेक्ट है। अब सबसे पहला काम है कि चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। भाई मेरे पास ये दो जीरोज हैं, मतलब मेरे नए वाले अल्फा ये हैं, नए वाले बीटा ये हैं, तो अल्फा बीटा में कन्फ्यूजन होगी। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाओ। सो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम कर लो इन दोनों का, हमें तो इस जीरोज का सम निकाल पॉलिनोमियल निकालना है ना, ये दो जीरोज पे बेस्ड हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम ये सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं भाई, आ जाओ, टू अल्फा प्लस वन प्लस टू बीटा प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फिर इसका प्रोडक्ट कर लो, टू अल्फा प्लस वन इंटू टू बीटा प्लस वन, डन। अब आ जाओ, अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू इंटू एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा फोर अल्फा बीटा प्लस टू अल्फा प्लस टू बीटा प्लस वन। अब यहाँ पे देखो, एक तरीका है कि अगर ये स्प्लिट हो रहा है तो आप इसको स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाल लो और अल्फा बीटा का यहाँ वैल्यू डाल दो, बड़ा ही आसान है, ठीक है, फट्टू क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब इस तरह के इक्वेशन आ जाएंगे जहाँ स्प्लिट नहीं होगा, वहाँ फंस जाओगे, वहाँ फिर तारे गिनोगे, तारे ज़मीन पर नहीं, तारे आसमान में, ठीक है। तो वहाँ गिनोगे कि अरे ये तो सर ने बताया नहीं, बेकार सा वीडियो बनाया था, ये तो बताया नहीं। लेकिन मेरा चैलेंज है कि मैं जिस तरह के कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, टाइम लगेगा, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ चैनल ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कोई ना कोई बच्चा तो ज़रूर आएगा जिसको दिखेगा कि हाँ कंटेंट में दम है, और वहाँ से फिर क्लिक करेगा, आई नो, ठीक है। बाकी मैं बता दूँ कि मैथ्स एकेडमिया के नाम से मेरा खुद का ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से असाइनमेंट वगैरह मिल जाएंगे आपको, टेस्ट देना चाहो तो आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे, एंड में डिसाइड करना, शुरू में नहीं, एंड में डिसाइड करना, अगर तुमने कुछ सीखा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप लाइक करो या कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे करो, जो भी प्रेस करना है, व्हाटएवर आप कुछ भी करोगे वो मेरे लिए एक करोड़ के बराबर है। एक सब्सक्राइबर या एक लाइक या एक कमेंट मेरे लिए 1 ट्रिलियन के बराबर है। आप नहीं समझोगे इस चीज़ को कि एक यू नो मेहनत करने वाले के लिए वो कितना मोटिवेशन होता है उससे। एनीवे, तो अब आते हैं इस पे। तो हम क्या करते हैं, आपको इस क्वेश्चन में
अल्फा बीटा निकाल के ही वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ, ये आसान है। और उस क्वेश्चन में अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं, तो वहाँ सम और प्रोडक्ट से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इसको ब्रेक करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को ब्रेक करोगे, मैं यहाँ ब्रेक कर रहा हूँ शॉर्टकट में, एक्स स्क्वायर माइनस इसको टू एक्स ले लेता हूँ, प्लस एक्स ले लेता हूँ, माइनस टू ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस टू, प्लस वन कॉमन लिया एक्स माइनस टू, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, मैंने ब्रेक कर लिया, तो मेरा अल्फा क्या आ गया माइनस वन और बीटा क्या आ गया टू, नोट कर लेते जाओ, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो अल्फा आ गया माइनस वन और बीटा आ गया टू, डन। तो मैंने इसको मिटा दिया, अब मैं सीधा इसमें वैल्यू डालूंगा, खत्म, कुछ नहीं करना है, टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू बीटा क्या है टू, प्लस टू इंटू एक्स, प्लस फोर इंटू अल्फा क्या है माइनस वन इंटू बीटा क्या है टू, प्लस टू इंटू अल्फा क्या है माइनस वन, प्लस टू इंटू बीटा क्या है टू प्लस वन, डन। कैलकुलेट कर लो, हो गया, बल्ले बल्ले, कुछ नहीं करना है, दिस इज माइनस टू, माइनस टू प्लस टू, ये कट गया, ठीक है, तो ये हो गया फोर, तो ये फोर एक्स हो गया। तो मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस, अब देखो ये फोर टू जा एट, माइनस एट हो गया, ये माइनस एट हो गया, और ये कितना हो गया माइनस टू, और ये कितना हो गया फोर, तो माइनस टू प्लस फोर कितना हो गया टू, और टू प्लस वन थ्री, तो ये हो गया थ्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, दिस इज माई पॉलिनोमियल, खत्म, ठीक है। चाहो तो यहाँ के लगा दो, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पॉलिनोमियल जब भी लिखो तो आपको अगर बहुत अच्छे स्कूल में हो और बहुत अच्छे टॉप क्लास टीचर से पढ़ रहे हो तो वो ज़रूर बोलेंगे कि यहाँ के लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव कर दो, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है मैं बता दूँ, और यहाँ लिख दो के कुड बी एनी रियल कॉन्स्टेंट, यानी कि कभी भी पॉलिनोमियल में कुछ भी कॉमन आता है तो वो कॉमन जो है वो सारा के में चला जाता है और वो सारे रियल कॉन्स्टेंट में चले जाते हैं। तो एक्चुअली लिखने का तरीका ये है, बट एनसीईआरटी में ये भी अलाउड है, सो इट इज़ अप टू यू, आपको जो भी अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन है, अब इसको आप नाक रगड़ के रह जाओ, ये ब्रेक नहीं होगा, ये अल्फाबीट आएगा ही नहीं, बट हम उसकी बात बाद में करेंगे, पहले तो इस पे आते हैं। बताया ना कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो जो भी जीरोस गिवन हो, जिस जीरोस पे आपको पॉलिनोमियल बनाना है उसी से स्टार्ट करो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, बताया था ना सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, तो पहले सम निकालो, सम क्या हो गया टू अल्फा प्लस थ्री बीटा प्लस थ्री अल्फा प्लस टू बीटा, ये हो गया सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तब यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा टू अल्फा प्लस थ्री बीटा इंटू थ्री अल्फा प्लस टू बीटा, डन। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए ज़रा, है ना, बहुत दमदार बच्चा होगा वही ये क्वेश्चन करेगा, अगर आप एवरेज बच्चे हो तो नहीं भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये कभी कभी टफ क्वेश्चन आते हैं प्री बोर्ड में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको देखो टू अल्फा प्लस थ्री अल्फा फाइव अल्फा प्लस फाइव बीटा, डन हो गया इंटू एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, टू अल्फा से करूँगा तो सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस फोर अल्फा बीटा, मैंने टू अल्फा से इन दोनों को किया, ठीक है, फिर थ्री बीटा से इन दोनों को कर रहा हूँ, तो ये हो गया नाइन अल्फा बीटा प्लस सिक्स बीटा स्क्वायर, ठीक है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फाइव कॉमन ले लो और एक्स भी कॉमन ले लो तो क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा, एक्स तो कॉमन है ही, बाहर ही था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं, तो आप क्या करो, सिक्स अल्फा स्क्वायर है और सिक्स बीटा स्क्वायर है, तो इसमें सिक्स कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, डन। प्लस नाइन अल्फा बीटा और फोर अल्फा बीटा कितना हो गया थर्टीन अल्फा बीटा, खत्म। अब क्या करना है, अब तुम देखोगे मेरे पास, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है कि ये ब्रेक हो गया था तो मुझे अल्फा बीटा मिल गया था, हमने अल्फा बीटा इसमें वैल्यू डाल लिया था, डन। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको अल्फा बीटा ब्रेक ही नहीं होगा, मतलब ये स्प्लिटिंग विल टर्म से होगा ही नहीं,
आप देखो ट्राई कर लो, मैं एक मिनट के लिए मिटा भी दूंगा। ये सेवन देखो, ये सेवन है और ये टू है, तो सेवन टू जब फोर्टीन होता है, आप सेवन और टू पे चलते हैं, देखते हैं ब्रेक होता है कि नहीं। तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स प्लस सेवन। अब देखो दिखने में तुमको लगेगा कि सेवन और टू पे ब्रेक हो जाएगा फाइव पे, अरे सर क्या बोल रहे हो, सेवन और सेवन माइनस टू फाइव होता है, दिखने में लग रहा है, लेकिन जब यहाँ करोगे आप तो ये ब्रेक ही नहीं होगा, एक नेगेटिव में आ रहा है एक पॉजिटिव में आ रहा है, ये नहीं होगा ब्रेक, आप कुछ भी कर लेना। और यहीं पे बच्चे धोखा खाते हैं, उनको लगता है यार कहीं मेरा तो मिस्टेक नहीं है, कहीं मेरा प्लस माइनस का तो नहीं है, तो फिर वो खुद ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और फिर वो सही चीज़ को भी गलत करके आ जाते हैं। सो ऐसा मत करना आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप अल्फा बीटा निकाल नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला से करना होगा। क्या होगा भाई फॉर्मूला, मैजिक अब दिखाता हूँ। देखो 5x है, देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो भाई उसका एक दूसरे तरीके से भी तो मैं फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो मैं कैसे लिखूँगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो भाई मेरा माइनस बी, बी क्या है मेरा माइनस फाइव, अपॉन ए क्या है मेरा टू, तो मेरा क्या आंसर हो गया फाइव अपॉन टू। और अल्फा बीटा भी निकाल लो, बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ये अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी क्या है आपका सेवन, तो ये सेवन अपॉन टू, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा बीटा ये आ गया। अब इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ने वाली है, देखो अल्फा प्लस बीटा है डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग अल्फा एंड बीटा, बिना अल्फा बीटा को फाइंड किए हुए हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया फाइव अपॉन टू, डाल दिया यहाँ फाइव अपॉन टू प्लस सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलो इसकी बात हम बाद में करते हैं, प्लस थर्टीन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है आपका सेवन अपॉन टू, तो हमने यहाँ डाल दिया सेवन अपॉन टू। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अभी हमने पिछले वीडियो में या इस वीडियो में भी शुरू में क्या किया था, नहीं इसमें नहीं, पिछले वीडियो में किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या सिखाया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आप क्या करोगे, उसके लिए अलग से निकालो। तो मैं क्या करूँगा, मैं अलग से निकाल लूँगा, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा फाइव अपॉन टू, तो हमने फाइव अपॉन टू डाल लिया माइनस टू। अल्फा बीटा क्या है मेरा सेवन अपॉन टू, हमने इसको कट कर लिया, दिस इज़ 25 अपॉन फोर माइनस सेवन, ये क्या हो गया 25 माइनस 28 अपॉन फोर, ये क्या आ गया माइनस थ्री अपॉन फोर। सो माई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया माइनस थ्री अपॉन फोर, ये आप वहाँ डालोगे, सो दिस विल बी माइनस थ्री अपॉन फोर। अब चाहो तो आप इसको काटो, अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ पे टू टू जा और ये टू थ्री जा, चलो भाई यहाँ पे नहीं कट रहा, तो आप क्या आंसर लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये 25x बाई टू प्लस, यहाँ देखो क्या होगा माइनस नाइन अपॉन टू, माइनस नाइन अपॉन टू प्लस 91 बाई टू। जब आप इसको करेंगे माइनस नाइन प्लस 91 क्या हो जाएगा 82, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई टू एक्स प्लस 81 बाई टू, और सॉरी 82 बाई टू, ये हो गया 82 बाई टू, और जो कि कट के आ गया 41। ओके, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बड़े आराम से और कूल माइंडेड होके ये कर सकता है, ठीक है। सिर्फ आपका टारगेट ये नहीं है कि आप स्कूल में यूटी में फुल ले आए या हाफ ईयरली में फुल ले आए, मैं कहता हूँ चलो बोर्ड में भी कई बार ऐसा होता है कि 90 से 100 के बीच में जो 10% का गैप है, या आप मान लो कि 85 से और 100 के बीच का जो 15% का गैप है वो बहुत मायने रखता है। 80-85% क्वेश्चन तो ठीक है, एवरेज आते हैं, आप NCERT अगर या कुछ एक्स्ट्रा करके आप बड़े आराम से ला सकते हो, बट वो जो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें एक दो क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल के होते हैं, और वही डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सा बच्चा 100 में 100 वाला है और कौन सा बच्चा बिलो 90 वाला है। तो वही 10-15 नंबर के लिए आपको इस लेवल में जाना होगा।
ठीक है, ये अपने 20 साल के करियर में मैंने जो चीज़ सीखा है वो चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ, बाकी समझना आपका काम है, मेहनत करना आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आज इसी टॉपिक पे फोकस करना है, हाउ टू फॉर्म पॉलिनोमियल, है ना, इसमें सारे ट्विस्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो इसमें भी है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पी एक्स, पी एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब आपको फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना है, हु जीरोज आर दिस, मैंने क्या बोला था, आप यहाँ से स्टार्ट करो, जब भी पॉलिनोमियल निकालना हो जिस जीरोज की बात कर रहा हो आप वही निकालो, ठीक है। तो आप क्या करो, पी एक्स निकाल लो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज, तो हमारा जीरोज क्या है, नया वाला जीरोज क्या बोल रहा है, ये दोनों लेना है। तो आप क्या करो, इसको सम ऑफ जीरोज ले लो, दिस एंड दिस, ठीक है, इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पी एक्स का, ताकि बच्चे फिर कंफ्यूज कर जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आपका सम क्या है, ये जीरोज हमारा न्यू जीरोज है, इसी पे हमें पॉलिनोमियल निकालना है ना, ये वाला जीरोज है हमें इसी पे पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम इसी जीरोज की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो जीरोज है जिस जीरोज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हम उस जीरोज की सम की बात कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तब आप इसको प्रोडक्ट निकाल लो, डन। अब क्या है, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे देखो क्या बन गया, देख लेना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ बगल अगल में कुछ प्रॉब्लम है फंक्शन वगैरह, तो यहाँ पे देख लो। अब इसका हम एलसीएम करेंगे, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, सो यस आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका एलसीएम ले लिया, ये 2 अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 2 बीटा स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है, यहाँ कट कट आके 4 आ गया। अब देखो मज़ा, एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर में देखो 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 4। अब तुम देखोगे, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया, अब तुम देखोगे कि क्या मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ से ये देखना है। अगर आप अल्फा बीटा निकालने में सक्षम हो, इफ़ यू आर केपेबल टू फाइंड अल्फा एंड बीटा देन फाइंड इट, अल्फा बीटा यहाँ ब्रेक करके स्प्लिटिंग से हो कॉमन लेकर अल्फा बीटा निकालो और सीधा यहाँ डाल दो। और दूसरा मेथड क्या बताया था, कि जब भी स्प्लिटिंग नहीं कर पाओ या अगर आपकी मर्जी है ज़बरदस्ती कि हाँ हमें डिफिकल्ट वे ही करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लो, ये हो गया अल्फा बीटा प्रोडक्ट हो गया सी अपॉन ए, ये वैल्यू डाल देंगे। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वहाँ से ये वैल्यू डाल दिया, हो गया आंसर निकाल दो। बट मैं चाहूँगा कि एज अ स्टूडेंट यार यहाँ अल्फा बीटा तो निकल ही रहा है ना प्यार से, यहाँ आप अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, तो हमारा अल्फा क्या आ गया, अल्फा क्या आ गया माइनस 1 एंड बीटा क्या आ गया 1, तो हम चुपचाप यहाँ वैल्यू ना डालते, देखो तो क्या ज़रूरी है इतनी गर्मी में मेहनत करने का है। 2 यहाँ हो गया, 2 अंदर में है बेटे, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 2 अल्फा माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो हमने 1 डाल लिया। बीटा स्क्वायर, बीटा क्या है 1, तो हमने 1 डाल लिया अपॉन अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट है सी अपॉन ए, तो भाई इसमें सी क्या है आपका माइनस 1, देखो यहाँ निकाल देता हूँ मैं भाई, अल्फा बीटा क्या है यहाँ सी अपॉन ए, तो सी आपका क्या है यहाँ माइनस 1 अपॉन 1, दिस इज माइनस 1, तो आप यहाँ माइनस 1 डाल लो, खत्म। नो अब इंटू एक्स करो, इंटू एक्स करो प्लस 4 करो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 इंटू 2 4, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस 4x प्लस 4, दैट्स इट। आप चाहो तो लास्ट में k लगा सकते हो, मैंने बताया था ना, आडी वाडी में देख लेना आपको k के साथ मिलेगा, एग्जाम्पलर से में देख लेना आपको k के साथ मिलेगा, और लिखा रहता है वेयर k इज रियल कॉन्स्टेंट, या आप ऐसे लिख दो, दोनों बातें ठीक है, सो ये भी चलता है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, बट फिर वही बात कि अल्फा
बीटा निकालने के, या तो अगर पी एक्स दिया हुआ है तो यहाँ से दो सिचुएशन हो सकते हैं कि या तो स्प्लिटिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हो या सॉल्व नहीं कर सकते हो। सॉल्व कर सकते हो तो बल्ले बल्ले अभी किया हमने, अल्फा बीटा निकाल लिया, लास्ट में जाके अल्फा बीटा पुट कर दिया। और अगर नहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व कर सकते तो यहाँ फार्मूला से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, आई थिंक 12th या 11th, देख लेना। अब यहाँ भी है, यहाँ पॉलिनोमियल दिया ही नहीं हुआ है, ये लो। अब एक नया मज़ा आ गया है ना, रसगुल्ले में सब्जी मिला दो कैसा लगेगा, वही बात हो गई है ना। तो देखो यहाँ अब पी एक्स है ही नहीं, तो आप अल्फा बीटा कहाँ से निकालोगे। बट दो चीज़ हमें हिंट में दे दिया है, दो इक्वेशन दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, ये दो चीज़ दे दिया हुआ है। तो इन दोनों को यूज़ करके आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। सो अगर अल्फा प्लस बीटा है 24 और अल्फा माइनस बीटा है 8, तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। अभी आप लीनियर इक्वेशन जब पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे ये एलिमिनेशन मेथड है। खैर अभी ऐड करो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कट गया, ये हो गया 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया 32, तो अल्फा कितना हो गया 16। अब अल्फा का वैल्यू यहाँ डाल दो किसी भी इक्वेशन में, तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ 16 डाल दिया तो ये इधर चला गया -16, तो ये हो गया 8, है ना। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू 8 प्लस बीटा ले लो और उसको यहाँ डाल दो तो भी निकाल सकते हो, बल्ले बल्ले है ना, इन हिंदुस्तान है ये, सब कुछ चलता है यहाँ, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है हमें। अब यहाँ पे जीरोज क्या है भाई, बड़ा ही आसान, यहाँ उल्टा काम कर दिया। और सारे क्वेश्चन में क्या होता था कि ये बोलता था कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालो जिसका जीरोज 2 अल्फा अपॉन बीटा हो, 2 बीटा अपॉन अल्फा हो, या कुछ ऐसा अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन व्हाटएवर, बड़ा बड़ा दे दिया था। तो हम इस जीरोज को लेके चल रहे थे। यहाँ क्या किया है, बहुत आसान सा दे दिया है कि आप ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालो जिसका जीरोज अल्फा एंड बीटा हो, तो बड़ा आसान है, ये लो भाई, ये तो हलवा है, हलवा जैसे हलवा होता है ना, खाया पता भी नहीं चला, पेट भी नहीं भरेगा लेकिन मन भर जाता है ना। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या, तो सम जीरोज क्या है, ये है, तो सम ले लिया, इनटू प्रोडक्ट क्या है, ये हो गया, डन। अब आप इसमें वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एंड बीटा, अल्फा क्या है 16, ये क्या है 8, तो 16 और 8 ऐड कर दिया तो 24x, और ये हो गया 16 इंटू 8, तो क्या बन गया 128। हमारा आंसर क्या आ गया 128, दैट्स इट। चाहो तो k लगा दो, बताता हूँ मैं हर क्वेश्चन में, नहीं मर्जी है तो मत लगाओ, बट बहुत अच्छे टीचर होंगे तो वो आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर करेंगे, ठीक है, डन, ओके। अब देखो ये सब जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन सर, ये बहुत अटपटा से, जैसे वो मिर्ची बम होता है ना दिवाली वाली में जलाते हो ना, छोटा छोटा होता है, आवाज़ बहुत खूबसूरत होता है, ऐसे ही है, सारे वन मार्कर हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चे घूम जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता करूँ तो करूँ क्या। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा एरर था इसको सही कर दिया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स दिस इज 3, मतलब क्या 3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखो इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, बड़ा सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी क्या है आपका के प्लस 1 अपॉन ए क्या है आपका 1, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट आपको गिवन है 3, हमारा आंसर क्या हो गया के प्लस 1 इक्वल्स टू 3 एंड के इक्वल्स टू 2, दिस इज माई आंसर, कैन यू बिलीव, इतना सिंपल है आंसर, ठीक है। अब आते हैं इस पे, बोल रहा है कि सम दिया हुआ है, मतलब सम मतलब सम ऑफ जीरोज है, लिखने की प्रॉब्लम है इसलिए मैं कम ही लिखता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ, अब समझ जाना। इफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ टू जीरोज इज -3 एंड 1 0 इज 1, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए क्या चाहिए, हमें दो जीरोज चाहिए, तभी ना हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही लिखते हैं ना, तो सम तो मालूम है, प्रोडक्ट कहाँ से निकलेगा। तो भाई जरा देखो लीनियर इक्वेशन पे चले जाओ, बचपन में, बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं थोड़ी। अगर दो चीज़ का, दो नंबर का सम अगर मालूम है, उसमें एक नंबर मालूम है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, सिंपल। तो अगर हमें सम मालूम है, दो का सम, मान लो कि अल्फा प्लस बीटा
मालूम है मुझे माइनस थ्री, एंड वन जीरो है वन, मतलब अल्फा है वन, तो भाई बीटा कितना हो जाएगा? अगर अल्फा प्लस बीटा है माइनस थ्री, उसमें अल्फा है वन, तो बीटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे वन डाल लो, यहाँ वन डालोगे तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन, एंड दिस इज माइनस फोर। सो बीटा आ गया मेरा, अल्फा आ गया मेरा। नाउ विल फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ही बोल दो, या सम लिखना है तो सम लिख लो, चाहो तो यहाँ से लिखो माइनस थ्री, चाहो तो अलग अलग ऐड करोगे, वन और माइनस फोर को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? वन माइनस फोर तब भी माइनस थ्री आएगा। प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, हो गया खत्म। कोई रोने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर ये माइनस थ्री हुआ तो ये प्लस थ्री एक्स हो गया, और ये माइनस फोर हो गया। दैट्स इट, वी हैव गॉट इक्वेशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत आसान है ये भी, देखो सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज वन। एक एक लाइन का क्वेश्चन है बट ट्विस्टेड है, घूम जाओगे। सम ऑफ जीरोज वन दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, भाई माइनस बी अपॉन ए, एंड दैट इक्वल्स टू क्या गिवन है? वन। अब आ जाओ माइनस बी क्या है आपका? माइनस थ्री, माइनस थ्री अपॉन वन के, दैट इक्वल्स टू वन। तो ये क्या हो गया? थ्री अपॉन के, थ्री अपॉन के इक्वल्स टू वन। तो के क्या हो गया? थ्री। दिस इज योर आंसर, है ना? ये सब एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे, आरडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएंगे। बहुत टॉप क्लास है, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं करवाता, सारे हॉट्स टाइप करवाता हूँ, बिकॉज आई नो कि वीडियो में सारे क्वेश्चन तो आप 400-500 क्वेश्चन तो नहीं बना सकते ना। तो पता चला कि एक ही चैप्टर में हमें 6 महीने लग गए। सो एज अ टीचर मेरे पास जितना नॉलेज है, जो भी हमने 15-20 साल में सीखा है, हमने इस फील्ड में सेम प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो जो बेस्ट सीखा है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, यूटी में, टर्मिनल में, बच्चे को किस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाऊँ कि उसके सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो जाए, इसलिए हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन चूज़ किया हुआ है। उसमें कोई बड़ा भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, और कुछ आसान भी हो सकता है। ओके, नाउ एक्स इक्वल्स टू वन है। देखो इफ एक्स इक्वल्स टू वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, आई एम सॉरी फैक्टर नहीं होगा, जीरोज होगा, है ना? वो लिखने का मिस्टेक है। दिस इज जीरोज, ये क्या है? वन जीरो। एक्स इक्वल्स टू वन इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, फाइंड के। मतलब हर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो जीरोज होते हैं। अब आपको एक जीरो दे दिया और के निकालना है, दूसरा जीरो नहीं बोला निकालने को, के निकालना है, ठीक है भाई? अगर कोई कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जीरो मालूम है या आपने मालूम किया, जैसे भी हो, इस जीरो को, इस जीरो से क्या मतलब है? जीरो किसको बोलते हैं? कि अगर आप इसको इसमें डालोगे तो द होल वैल्यू विल कम जीरो, इसीलिए उसका नाम जीरोज होता है, ठीक है? देखते हो फैक्टर हमने क्या सिखाया था, कि अगर किसी का फैक्टर x माइनस वन है तो इसके इक्वल टू में जीरो कर लो। पिछले वीडियो में देखना है, एनसीईआरटी के वीडियो में, तो जीरोज क्या हो जाएगा? वन, है ना? तो ये फैक्टर कहलाता है, ये जीरोज कहलाता है। मैं ब्रशअप करवा रहा हूँ, तो जब भी जीरोज का वैल्यू इसमें डालोगे तो द होल वैल्यू विल कम जीरो। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू वन दिया हुआ है जीरो, तो हम इसमें वन डालेंगे, तो क्या होगा? वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस के, एंड द होल वैल्यू विल कम जीरो। तब ये क्या हो जाएगा? वन माइनस टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया माइनस वन प्लस के इक्वल्स टू जीरो। तो के क्या आ गया हमारा? वन। दैट्स इट। अब इसी क्वेश्चन को देखो, कैसे क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट बनाता है, ठीक है? जो रिसर्च डिपार्टमेंट में बैठे होते हैं, सिंपल से ही क्वेश्चन को घुमा देंगे और तुम चक्कर खा के गिर जाते हो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर दूँ, और अगर इसी को मैं, ये अभी वन मार्कर है, थोड़ा ट्रिकी है, अब इसको मैं ज़बरदस्त तरीके से ट्रिकी बना सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि एक्स इक्वल्स टू वन इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, फाइंड के एंड ऑल्सो फाइंड अदर जीरोज। अब इसमें दो स्टेप और आगे बढ़ा दिया, अदर जीरोज भी। तो आपने के का वैल्यू निकाल लिया, के का वैल्यू यहाँ डाल दो, ये क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो गया। कन्फ्यूज मत करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन में रहे कि फाइंड अदर जीरो ऑल्सो, तब क्या करोगे?
तब अब k का वैल्यू आपने निकाल लिया, k का वैल्यू यहाँ डाल दो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना है 1। अब आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लो, मुझे तो आता है इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो हमारा x का आंसर आ गया 1 एंड 1, मतलब मेरा अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, मतलब वी हैव गॉट टू जीरोस, एक है 1 दूसरा भी है 1। तो आप बोल सकते हो कि यस अदर जीरोस इज ऑल्सो 1। दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सारे डिवीजन एल्गोरिथम पे और लॉन्ग डिवीजन से और कैसे रिमाइंडर कैसे कोशेंट उस पर बेस्ड एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्टरी बनाया था जिसमें कि अल्फा बीटा के सारे फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं आरडी के सीरीज में, तो वो हमने पहले वीडियो में बनाया था। और दूसरे वीडियो में हम अल्फा बीटा पे बेस्ड क्वेश्चन, अल्फा बीटा के ट्विस्टेड क्वेश्चन वो सब बनाया था। तीसरा वीडियो है ये, इसमें हमने हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हेन टफर क्वेश्चन कम्स, है ना, तो उस टाइम में जब टफ क्वेश्चन आते हैं उस टाइम में अल्फा बीटा से कैसे पॉलीनोमियल निकालोगे जब जीरोज अलग अलग दिए होते हैं, तो उसका ये वीडियो बनाया है। और अब जो नेक्स्ट बनेगा वो लॉन्ग डिवीजन का बनेगा। सो यस, आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर, एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो जैसा मैंने बताया था। अच्छा लगे तो डेफिनेटली मैं वेलकम करूँगा, अगर कोई बच्चा हमें कोई कमेंट करता है, अगर हमारे में कोई टीचिंग में या हमारे मेथोडोलॉजी में कोई मिस्टेक है, कोई वीक एरियाज हैं, सो डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने आप को और इम्प्रूव डेफिनेटली करूँगा एज ए टीचर। हम भी मिस्टेक करते हैं, सो यस कमेंट करना चाहिए तुम्हें, शर्माना नहीं है। थैंक यू।